आप देखेंगे मैं अभी नाकुरी गांव में खड़ा है, नाकुरी बरसाली उत्तरकाशी में। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे एक चर्री जिसको गढ़वाली भाषा में चाल बोला जाता है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये चर्री बिल्कुल ड्राई है और शायद हर साल सरकार इसको बनवाने के लिए, इसको मेंटेन के लिए हर साल बजट आता है, लाखों रुपए सरकार देती है। हर साल यहाँ के ठेकेदार लोग और यहाँ के लोग बराबर इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलाते हैं और इस चाल को कुछ दिन तक पानी दिखाई देता है और अभी आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल भी वाटर नहीं। क्या इसमें सरकार इसमें इतना पैसा खर्च करती है और ये दशा दिखाती है कि गांव में तमाम लोग प्लान हो चुके हैं और प्लान की ओर है। यहाँ पर लोगों के पास भैंस नहीं है, ये भैंस के नहलाने की जगह है। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, इस गांव के माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष कुलदीप बिष्ट जी का गांव है और साथ में हमारे एक बहुत ही फेमस माननीय पत्रकार दिग्वीर बिष्ट जी का भी एक गांव है, बहुत ही फेमस गांव। और यहां से काफ़ी बड़े बड़े नेता निकले हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी बड़े नेता निकलेंगे और इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे। कौन है इसका दोषी? क्या सरकार को दोष दिया जाए या जनता को दोष दिया जाए या उन ठेकेदार लोगों को दोष दिया जाए जो हर साल ठेके लाते हैं, इसको मेंटेन का पैसा भी लेते हैं और देखने की हालत यह है कि किसी भी यूज में नहीं आ रही, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल जमीन बिल्कुल ड्राई हो रखी है। आप देखेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे काम होंगे गांव में, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा काम ना हो सिर्फ दिखाने लायक, कागजों के लायक, धरातल पे कुछ वास्तविकता हो, उस काम का पब्लिक को फायदा मिले। अनिल अखिल सकलानी के साथ, कैमरामैन अखिल सकलानी के साथ, महेश बोगुणा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, गंगोत्री विधानसभा से।